वहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम लोग यहीं से नीचे की ओर चलेंगे। और मेरे साथ बुलबुल पे जा रहे हैं कपिल भाई, और देखो चाचा कैसे बैठे हैं। ये रहे हमारे चाचू। पहले आप ये पुल चेक। अरे हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इदियल जी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, होप करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे, वेल एंड गुड। तो यार आज सुबह की जो शुरुआत है ना, वो हो रही है रायपुर से। तो एक बार आपको मैं रायपुर का मौसम चेक कराता हूँ। तो ये रहा कुछ रायपुर का मौसम, कतई धूप रखी, मतलब एकदम पूरा देहरादून से अलग मौसम होता है यहाँ पे। थोड़ा चिल्ड रहता है माहौल पर, लेकिन आज बहुत मस्त धूप निकली है। और ये हमारे फूफा जी, हमारी कोमल दी, और ये नंगू बंगू। हेलो 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 हेलो। तो हमारे नंगू पंगू के बड़े भाई आए हैं, कपिल पंगू। ये पिछली बार से थोड़ा लंबा भी हो गया, और एकदम मतलब मेरे को टक्कर देने वाला है, तगड़ा वाला। और हमारे रोहित चाचू ये है, रोची बना रहे हैं, क्योंकि रोहित चाचू हमें घुमाने लेके जा रहे हैं। लोकेशन उन्हें अच्छे से पता नहीं, रास्ता मैं बताऊंगा, क्योंकि हमें पता है कहाँ जाना करके। ये आपको यार देखो, ऐसा कि मोटो ब्लॉग तो मैं कर ही नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप नहीं है। मतलब हेलमेट है और जो माउंट वगैरह है वो बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। मतलब मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कि कहाँ कहाँ जाना, डायरेक्शन। बाकी एक हमारे दूसरे यूट्यूबर, ये मतलब ऑलराउंडर है गाइस, मतलब सिंगर भी है, एक्टर भी है, और व्लॉगर भी है, और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और एक क्या चाहिए, किस चीज की कमी है, आ जाना। मैं डिस्क्रिप्शन पे ना इनका क्या बोलते हैं यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, तो जाओ आप चेक कर लेना उनको। और बाकी आज हमारे भाई का बर्थडे भी है, पुरु भाई का, तो आप लोग भी कमेंट में स्पैम कर देना हैप्पी बर्थडे पुरु भाई करके। और बाकी सब आपको शाम के टाइम पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम शाम को उधर जा ही रहे हैं। और बस अभी फाइनल हुआ है कि हम सिर्फ बॉयज लोग जा रहे हैं, मतलब चाचा हम लोग और भाई लोग। और ये रही हमारी जैनो, और ये रही हमारी चाचा की, इसका नामकरण नहीं हुआ है, चाचा को पसंद नहीं आया, कुछ भी कह लो, बुलबुल कह लो, चाचा की बुलबुल हमारी जैनो। तो एक और जो हमारी क्या बोलते फैमिली मेम्बर है, आपको मिलवाता हूँ उससे। ये रही हमारी दूसरी फैमिली मेम्बर जसवंतपू, कर रहे गाड़ी को बैक अच्छे से करना, ठीक है, प्यार से। जसवंतपू है हमारे आज के ड्राइवर। तो अभी बड़े भाई चला रहे गाड़ी, कर रहे हैं बैक। बड़े भाई रिवर्स गियर डालो, कौन सा डाला है, अच्छा। तो बॉयस एक जो हमारे बड़े भाई है जसवंतपू, तो शूट कर रहे अपना व्लॉग अंदर। बाकी अभी डिसाइड हुआ है कि सब लोग आ रहे हैं, तो मतलब फूफा जी कोमल दी लोग भी आ ही रहे हैं, शायद कंफर्म नहीं आ रहे हैं। वो देखो चाचा कैसे बैठे हैं, ये रहे हमारे चाचू। और इस पूरी फैमिली जा चुकी है, चाचा फूफा जी फूफू आयांस कोमल दी और जसवंतपू। जसवंतपू अभी चला रहे गाड़ी, और मेरे साथ बुलबुल पे जा रहे हैं कपिल भाई। तो अभी मोटो ब्लॉगिंग के लिए सॉरी, क्योंकि हेलमेट भी इस टाइप का, और उसमें मोटो ब्लॉग माउंट लग भी नहीं सकता, मैं माउंट लाया भी नहीं हूँ। तो फटाफट इनको चेस करते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं रास्ता आपको बताते रहूँगा। तो चलते हैं इनको चेस करते हैं। तो ये चले गए लोग। तो गाइस अभी अब है ये महाराणा प्रताप चौक पे, तो यहाँ से आपको पता ही रूट जाता है माल देवता को, तो हमें यहीं जाना है अब। यहाँ से तो एकदम सीधा रास्ता है, जहाँ जहाँ पर हमें मुड़ना है मैं आपको वहाँ जाके बता दूंगा लोकेशन। बाकी हंसने की ज़रूरत नहीं है बोलते हो, हाँ हंसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपनी बुलबुल पे पकड़ते उनको फटाफट। तो बॉयस अभी अपन उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहाँ हमको बताना है कि ये जो रास्ता है जाता है मालदेवता को, और यहाँ से ऊपर जो है डिगू वाटरफॉल, और जो मतलब जो नए नए क्या बोलते हैं पिकनिक स्पॉट जो मिले हैं, यहाँ से ऊपर को जाता है रास्ता। तो हमें जाना है यहाँ से ऊपर। अभी पहले फैमिली आती है, फिर इनसे पूछते हैं कि इनको किस तरफ जाना है करके, तो थोड़ा वेट करते हैं, आने दो उन्हें। हाँ तो बॉयस अभी हम ऊपर वाली रोड पे आ चुके हैं, अब यहाँ हमें इस रूट को एकदम कंटिन्यू करना है, जब तक आगे तक क्या बोलते एक तिराहा नहीं आ जाएगा, वहाँ जाके आपसे कंटिन्यू करेंगे। आपको इस रोड को सीधा सीधा कंटिन्यू करना है तब तक। तो बॉयस ये जो तिराहा है ना, तो यहाँ से जो अंदर आप देख रहे हो, जो हमें राइट साइड जाना है पुल, ये पुल से फिर लेफ्ट लेना है डिगू वाटरफॉल के लिए, यहाँ से है रास्ता। बाकी आप ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है जगह, अगर थोड़ा क्या बोलते विंड ब्लास्ट आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, पर लेकिन ये देखो अब यहाँ से हमको ले लेना है लेफ्ट। तो अब इस रास्ते को आपको कंटिन्यू करना है एकदम,
जब तक लास्ट एंड नहीं आ जाता। और लास्ट एंड कैसा आएगा हम आपको दिखाएंगे। और ये जो रास्ता जो मैंने आपको बताया था कि पुल के पास से सीधा आपको ये रास्ता इधर तक लेके आएगा, तो फिर जो दो रास्ते हैं ये शायद आगे को कंटिन्यू करना है इस रास्ते, मतलब ये रास्ता आगे जाता होगा इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो वाटरफॉल है इस रूट पे, तो यहाँ से आपको लेना है राइट। तो अब हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ से सीधा आप यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ से ऊपर आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। और बाकी सॉरी कि मैं सिनेमैटिक्स वगैरह नहीं ले पाया, क्योंकि आपको पता है ना हेलमेट है ना कुछ है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बस आपको शॉर्टकट में रास्ता दिखाना था कि कहाँ से कहाँ आना है, मैंने आपको बता दिया। और ये हमारे एक और ब्लॉगर बड़े भाई और बाकी फैमिली यहाँ इकट्ठा हो रखी है, तो अब हमें यहाँ से सीधा ऊपर ऊपर कंटिन्यू करना है इस चढ़ाई को। यहाँ से समथिंग 1.5 किलोमीटर है ऊपर काफ़ी, तो जो आप वो लोकेशन देख रहे हो लैंडस्लाइड टाइप का, उसके पल्ले तरफ जाना है काफ़ी, तो चलते हैं। बाकी जली का कुछ याद है तो बस अभी हमने नीचे से चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर डिग्गू वाटरफॉल की तरफ। सर थोड़ी चढ़ाई है पर लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ी क्या बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो ये हमारा सब्र है, हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी चढ़ाई में, और फिर जाके जो आपको व्यू मिलेगा ना, मतलब आप जो देहरादून से हैं या कुछ कुछ लोग हैं तो उन्होंने तो ये वाटरफॉल पहले देख लिया होगा। बाकी यार मुझे पता है विंड ब्लास्ट काफ़ी आ रहा होगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्या कर सकते हैं। बाकी आप ये व्यू इंजॉय करो ना भाई, दारमा रोड पे। तो यार कोमल दिया छोटा भाई तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड कि सबसे आगे वही चल रहे। तो यार ये लोकेशन एकदम, और जो ये चढ़ाई है ना पूरा एकदम भाई, अब तो खैर हमारे धर्मा वैली में रोड बन गया तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जो ये पैदल वाला लोकेशन है ना भागने का फायदा नहीं, काफ़ी बढ़िया, मतलब पैदल चलने में एकदम पूरा वही फील आ रहा है कि नीचे 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 कि अपन धर्मा पुराना वाला रूट। ओ भाई साहब जब रोड नहीं बना था हुबू तब क्या रोड बन गया तो गाड़ी जाती तब मजा नहीं आता पैदल होता कहते। ये रहे हमारे ब्लॉगर साहब भाई, और ये हमारे फौजी। ये आज तो फौजी का चरबी सब गायब, थक गए तो नहीं फौजी? हाउ इज द जोश? हाय सर। बॉयस अभी वो पुल आ चुका है जो खतरनाक पुल है, उसे हमें क्रॉस करना है, तो दिखाते हैं आपको पुल कितना खतरनाक है। और हल्का हल्का आपको वाटरफॉल दिख भी रहा होगा, मैं जूम इन करा देता हूँ। ये देखो दिख रहा है, अब पास चल के आपको दिखाते कैसा है। पहले आप ये पुल चेक, अरे पुल तो बन रहा है बे गाइस, पुल बनने लग गया पार्टनर लोगो, पुल बनने लग गया गाइस, नीचे से जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। बल्ले बल्ले पुल बन गया गाइस, पुल हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो बॉयस वहाँ से ऐसे आना है, आप यहाँ से सीधा ऊपर की ओर तरफ से भी निकल सकते हो और आप यहाँ से भी जा सकते हो रास्ता, तो मैं प्रेफर करूँगा कि ऊपर से जाओ क्योंकि ऊपर ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पत्थर पत्थर बहुत है ना, तो यहाँ से मत जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी जसवंतपुर चाचू निकाल के ऊपर से, तो चलते हैं ऊपर मिलते हैं। बाकी फैमिली वगैरह सब इन्जॉय कर रही है, आप लोग भी आ सकते हो फैमिली के साथ इन्जॉय करने के लिए, तो यहाँ से थोड़ा रास्ता थोड़ा टफ है तो चलते हैं। तो भाई सेरे जसवंतपुर और चाचू आ गए, और ये जो लोकेशन है ना गाइस आपको चेक कराता हूँ, ये चेक करो यार आप, बहुत ही प्यारा झरना गाइस। तो नीचे तो चलने का रास्ता यहीं से है, यहाँ से जाना पड़ेगा, थोड़ा डेंजर है लेकिन जाना तो पड़ेगा गाइस, चलते हैं नीचे चल के करते कंटिन्यू बढ़िया। तो यार बॉयज यहाँ तो बड़े भाई लोग कर रहे हैं फोटोशूट, अपन चलते हैं नीचे एंजॉय करते हैं यार, चलो। तो यार बॉयज यहाँ से उतरने में थोड़ा रिस्की है, बाकी ये क्रॉस करने के बाद तो जन्नत है गाइस।
अपन लोगों ने यहाँ पे काफी एंजॉय किया। ये लोकेशन अब आप देख रहे हो, अब हम जा रहे हैं नीचे फैमिली के पास, वहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम लोग यहीं से नीचे की ओर चलेंगे। तो बने रहिए। तो बॉयज मस्त करके अपन लोगों ने चिल कर लिया, बस थोड़ी धूप से कहीं चल लिया और ये बैठी अपनी फैमिली। तो सब चाचू ने पनीर बनाए थे और पनीर के मजे लिए जा रहे हैं। तो अपना भी कोटा आयंस के पास है, खाते हैं अभी, इसके बाद चलेंगे सीधा पूरू भाई के बर्थडे में। यहाँ से बाय बाय, यहाँ सीधा चलेंगे घर की ओर। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, धूप सेकते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। बाकी यार यहाँ पे जो पानी है ना, और ऊपर पानी है एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, एकदम बहुत ही प्योर पानी साफ दिख रहा है हर बार एकदम। A few moments later. तो यार बस 4 बज गए शाम के और अभी हम मालदेवा से अपने रूम पे पहुंचे हैं। और पूरू भाई सॉरी यार मैं वहाँ दिन में आ नहीं पाया, पर लेकिन अब मैं सीधा निकल रहा हूँ और तो मिलता हूँ आपके पास। तो चलो भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं, तो मिलता हूँ सीधा प्रेमनगर पे गाइस। जल्दी भाई बोल, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तू पा चल। मैं भी मिलते हैं आता बाद में, बाय। ओके बड़े भाई जस्सू, तो गाइस जैसा हमारे जस्सू का भी चैनल आप चेक कर लेना, सेम ब्लॉग आने वाला है, आज कोलैब जैसा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना जस्सू का चैनल का लिंक। तो भाई को भी दिखाओ जरा प्यार। तो चलते हैं पुरू भाई, सही में सॉरी, बस आ रहा हूँ, बस आ गया। चलो कपिल ब्रो मिलते हैं। तो यार भाई का चैनल भी चेक कर लेना, क्या किस नाम से है, ड्रीम शॉट गेमर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके चाचू, चाचू का भी चैनल चेक कर लेना, हेल्पिंग हैंड करके मुझे कुछ टाइम का आज सुबह पता चला कि इनकी आइडिया वो। हाँ जी, आज रात को आना पुलिस लाइन, ठीक है? क्या चाहिए? पुलिस लाइन आना। पुलिस लाइन, चलो टाइम मिलेगा तो आऊंगा। ओके बाय, ओके 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 बच्चा बाय। तो वॉइस ये रहा हमारे पुरू भाई का केक, इस पर छपा जाएगा नाम। और ये हमारे मोनू भाई, नंगनियाल जी, मोनू पुरू लिख दीजिए भैया, PURU। हाँ जी, खोपड़ी तोड़ साले, मुझे से भाई लिख देना। तो वॉइस अभी पुरू भाई के बर्थडे का केक ले लिया है, ये यहाँ की जी की गाड़ी आई थी नंगनियाल जी लेके और हमारी जैनो, अब चलते सीधा रूम पे। सर वाइस जिस भाई का बर्थडे है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, सब भाई लोग बैठ रखे, आपको दिखाता हूँ, रुको। तो गाइस ये हमारा पुरू भाई जिसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। चलो गाइस भाई का केक तो दिखाओ, सेक्सी केक ये। कोई बात नहीं यार, कैंडल लाना भूल गया यार, सॉरी यार। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुरू। इस कमरे का तो केक एक साफ लग चुका है, भाई लोगों ने बहुत ही गंदा केक लिया। नंगनियाल जी ये, मोहित यावो ये, गुन्नू वो ये, मोनू, सोनू। तो सोनू भाई बहुत मेहनती यार, प्याज वगैरह काट रहे सबके लिए। तो यार चलो हम लोग खाते अपना एंजॉय करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा ना, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले टेक केयर, ब्लॉग खत्म हो गया, मिलते हैं।